हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहां पे BMCM से लेकर जो अपडेट दी थी, जो कि मुझे खुद यहां पे इनसाइट से पता चला है कि एक्चुअली मूवी का जो बेस क्या है एंड मूवी के अंदर जो वो ये मशीन वगैरह जो रोबोट दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों लगभग 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 ऑफिशियली तरीके से यहाँ पे कुछ अपडेट आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉपर मेकर्स ने अनाउंस नहीं किया। जो कि अंदर से रिपोर्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आप लोगों ने यहाँ पे जब टीजर जो अभी लास्ट टाइम आया उसके अंदर आपने देखा जो रोबोट थे एंड किस तरीके से यहाँ पे वो लैब दिखाई जा रही है, क्या यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। ठीक ठाक टीजर को देख के समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये बेस क्या है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ हमने एनालाइज किया एंड कुछ यहाँ पे न्यूज़ मिली। तो जो न्यूज़ मिली एंड कुछ एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बातें निकल के आई हैं वो भाई काफ़ी चौंकाने वाली है, शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत यहाँ पे दोस्तों हिला देने वाली न्यूज़ है। अली अब्बास जफर ने जो यहाँ पे दिमाग लगाया है वो देखो तारीफ के काबिल है एंड इस तरीके की चीज़ हमने सिर्फ अभी हॉलीवुड लेवल पे देखी है। देखो, एक तरीके से जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई टाइम मशीन का आना और जाना रहेगा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि फ्यूचर में से आ भी सकते हैं एंड जो निकल चुका है उसमें जा भी सकते हैं, मतलब फ्यूचर वाला बंदा पीछे जा सकता है एंड पीछे वाला बंदा आगे जा सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक बात मैं अगर बताऊं तो आप लोग भी हिल जाने वाले हो। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी टर्मिनेटर का मैं दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं जो 1984 में आया था, 1984 में जो आर्नोल्ड का आया था फर्स्ट पार्ट द टर्मिनेटर, उसमें क्या दिखाया है? उसमें दोस्तों ये दिखाया है कि कुछ मशीनें हैं जो आगे के जो टाइम बीत रहा है, जैसे कि 2024 और 2029, उस मूवी के अंदर 2029 एक ऐसा दुनिया दिखाई है 2029 की, जहां पे टोटली मशीनों का राज चल रहा है और मशीनों ने पूरा पूरा यहां पे राज किया हुआ है, लेकिन वहां पे कुछ उनके हाथ ऐसी चीज लगती है 2029 में, एक टाइम मशीन होती है कुछ वहां के इंसानों को, जो वो लोग के सोचते हैं कि हम अपना पिछला, यानी कि कुछ हमारे पीछे के जो साल हैं, अगर हम वहाँ पीछे जाके उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो आगे की जो दुनिया जो हम देख चुके हैं पीछे से ही वो चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। अब वहाँ के कुछ लोग पीछे आते हैं और उनकी तलाश में वो मशीनें भी पीछे आती हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा उस मूवी में, जिस जिस भाई ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मूवी मुझे लग रहा है कि इसी चीज़ पर बेस्ड है, और अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया तो वाकई में दोस्तों मूवी धूम मचा देगी। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ कि देखो, बहुत से लोगों को अब भी लग रहा है कि मूवी पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन 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 जिस तरीके से कॉन्सेप्ट रखा गया है, अली अब्बास जफर ने जो कहानी यहाँ पे रची है भाई, वो बहुत यहाँ पे लाजवाब है। और तो और देखो, यहाँ पे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ खुद भी ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने कभी भी अक्षय कुमार को लास्ट 3-4 सालों में, और टाइगर श्रॉफ को भी अपने लास्ट 3-4 सालों में किसी मूवी के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा, जो कि उनको अब यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि भाई अवार्ड फंक्शन हो या कुछ भी देख लो, एक अलग तरीके से दोनों की अनाउंसमेंट होती है और दोनों ही भाई एक साथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल भी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं देखो मूवी का निशाना जाता है, उनको कॉन्फिडेंस है कि जो हमने बनाया है इस बार एक यूनिक है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक को फुल ऑन मज़ा आने वाला है। भाई मैं आपसे लिटरली दोस्तों लिख के कह रहा हूँ कि अली अब्बास जफर ने जो दिमाग लगाया है इस मूवी के लिए, वो कहीं ना कहीं भाई मुझे सॉरी टर्मिनेटर वाला दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि जो मुझे न्यूज़ मिली है, मैं 2 दिन रुका इस न्यूज़ के लिए, मैं 2 दिन रुका। मैंने टर्मिनेटर देखी कल, मैंने दर रात को टर्मिनेटर देखी है, उसके बाद में दोस्तों मुझे जो उसकी बातें लगी भाई, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये मूवी कुछ टाइम मशीन के ऊपर होने वाली, मशीनें आएंगी बिल्कुल अपने जो चल रहा है ज़माना, उस ज़माने में फ्यूचर की या जो ज़माना निकल गया भूतकाल की उसकी, एंड यहाँ पे उसकी लड़ाइयाँ होंगी और कहीं ना कहीं देखो इसके आगे के पार्ट बनने का भी दोस्तों सिलसिला चालू होगा। और कहीं ना कहीं भाई मुझे लग रहा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ टर्मिनेटर वाला सीन ना ओपन हो जाए, जो टर्मिनेटर में था, जो जेम्स कैमरून ने रखा भाई 1984 में द टर्मिनेटर, जब आप ने देखी होगी उस ज़माने में अगर कोई था, या फिर अभी आप देखो जाके जो फर्स्ट पार्ट था भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर है जो आज बॉलीवुड बना रहा है। 1984 में जेम्स कैमरून ने दिखा दी थी, इतना ज़बरदस्त दिमाग लगाया था, कसम से बोलता हूँ। अगर आपको द टर्मिनेटर देखनी है तो आप जाके देखो और कहीं ना कहीं आप लोगों को
एक कॉन्सेप्ट पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट है द टर्मिनेटर का, और आप लोगों का दिमाग खुल जाने वाला है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे बहुत कम मूवीज़ बनी है और ऐसे कॉन्सेप्ट है और किसी का दिमाग भी नहीं गया, लेकिन अली अब्बास जफर ने जो इस चीज़ को करके बताया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये चीज़ वहीं जा रही है। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों, आगे जितने भी इसका कंटेंट आएंगे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप हैं कि नहीं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।